हम सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन कुछ ना कुछ गज 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 खाते रहते हैं। पर जब पूरा दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो क्या एक्चुअल में हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है? क्या उसे एक्चुअल में भूख लगी होती है या फिर हम बिना किसी वजह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं? क्या हमारे नॉन स्टॉप खाना खाने के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है? क्या हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े और हमारी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहे? तो जो भूख होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हंगर ऑफ स्टमक, दूसरी होती है हंगर ऑफ माउथ, तीसरी होती है हंगर ऑफ हार्ट, मतलब कि पेट की भूख, मुंह की भूख और दिल की भूख। हंगर ऑफ स्टमक यानी कि पेट की भूख, एक्चुअल में यही रियल भूख होती है जब हमारी बॉडी फिजिकली हंगरी होती है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तभी हमारे पेट को खाने की जरूरत होती है। तो अब ये कैसे पहचाने कि जो आपको एक्चुअल में भूख लगी है वो रियल भूख है या नहीं, वो आपके पेट की भूख है क्या नहीं? तो इसके लिए हमारी बॉडी कुछ हमें सिग्नल्स देती है, जैसे कि सर दर्द होना या फिर हमारे पेट का सिकुड़ना या फिर हमारे पेट में खाली पेट में हमें गुड़गुड़ फील होना, लो ब्लड शुगर। पर अगर आपने पिछले एक दो घंटे में कुछ मीठा खाया और आपकी ब्लड शुगर अब लो होती है तो वो एक्चुअल में भूख लगना नहीं है, वो आपकी बॉडी का क्रैश होना है। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी का थकना या फिर बॉडी में एनर्जी लेवल लो फील करना। तो ये सारी चीज़ें इशारा हो सकती हैं कि अब आपको अपनी बॉडी में कुछ खाना डालना चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी को भूख लग रही है। हंगर ऑफ माउथ यानी कि मुंह के लिए खाना, यानी कि स्वाद के लिए खाना, जैसे कि बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आज भटूरे खाने का मन कर रहा है, आज मोमोज खाने का मन कर रहा है, यार आज कोई चाट पापड़ी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है हंगर ऑफ माउथ। जब आपका कुछ मीठा खाने का, कुछ सॉल्टी खाने का, कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इसे कहते हैं हम हंगर ऑफ माउथ, हंगर ऑफ हार्ट। अब ना तो आप इसमें भूख की वजह से कुछ खाते हैं और ना ही आपको कुछ चटपटा या कुछ स्वादिष्ट खाने को उस चक्कर में कुछ खाते हैं। इसमें आप खाते हैं किसी सर्टेन इमोशन की वजह से, सैडनेस, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे इमोशंस हो सकते हैं आपके हंगर ऑफ हार्ट के, जिसमें आप कुछ भी खाना अपने स्वाद के लिए नहीं खाते, अपने पेट भरने नहीं खाते, बस आप सिर्फ खाते रहते हैं और आपको उसके स्वाद का पता भी नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाना या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आप घर पर कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो अब इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो आपको भूख लग रही है, अगर वो हंगर ऑफ स्टमक है यानी कि वो पेट की भूख है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी उस चीज़ की डिमांड कर रही है, आपकी बॉडी फूड की, फ्यूल की डिमांड कर रही है। हंगर ऑफ माउथ यानी कुछ चटपटा खाना, कुछ मन के लिए खाना। तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल करें या फिर दूसरा तरीका आप किसी से 15-20 मिनट के लिए बात करें, चाहे फ़ोन पर बात करें, चाहे किसी से मिल के बात करें, जिससे कि आपके दिमाग से ये थॉट निकल जाए। हंगर ऑफ हार्ट यानी कि किसी इमोशन में बह के खाना, किसी इमोशन के चक्कर में खाना। कभी कभी हंगर ऑफ हार्ट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन की बैकिंग होती है। बट इस केस में भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, या फिर आप अपना कोई फेवरेट टीवी शो देख सकते हैं, या फिर आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, या फिर आप कोई अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको कभी कभी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन की बैकिंग होती है। तो उस केस में जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप एक चीज़ कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर भी कुछ ना कुछ खाएंगे ही, तो या तो आप अपने घर में या फिर आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हेल्दी खाना रखिए, क्योंकि जब आपका कुछ खाने का मन करे बेवजह तो आपके अंदर सिर्फ हेल्दी फूड जाए, जिससे आपकी बॉडी को कम से कम नुकसान हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी कि जैसे भूख कितने प्रकार की होती है, भूख हमें क्यों लगती है और भूख को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।